हम पिछले दिन क्लास में पढ़े थे, पिछला जो क्लास था हम पढ़े थे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वो अपने कितने भाग में पार्ट को अपना काम करता है। तो पढ़ाए थे हम कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट तीन भाग में बांट के वह काम करता है। हमने यही कहा था कि इनपुट का वर्क करने के लिए बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं, उसके प्रोसेस के लिए प्रोसेसर होता है, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस होता है। हम पिछले दिन बतलाए थे कि उसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। हम उसी इनपुट डिवाइस के बारे में आज पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, कौन कौन सा काम, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज हैं और उनका क्या क्या काम है, उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जाने कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो इनपुट डिवाइस जब डिवाइस है तो यह क्या है, हार्डवेयर का पार्ट होगा। मतलब क्या, डिवाइस मीन्स यंत्र, औजार मतलब कि कोई सामान होगा। तो इनपुट डिवाइस क्या है, एक हार्डवेयर का हिस्सा, हार्डवेयर का भाग है जो करता क्या है, इसका काम है कि यूजर से या किसी अन्य सोर्स से वह डाटा को क्या करेगा कि एक्सेप्ट करके ले करके और प्रोसेसिंग के लिए क्या करेगा, भेजेगा और यह इंटरेक्शन करवाता है। मतलब क्या, डाटा को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करवाता है फिर और उसका कंट्रोलिंग करता है। जैसे कि आपने 2 + 3 आपने कीबोर्ड के माध्यम से इंटर किया, तो 2 + 3 यह जो आपने कीबोर्ड का बटन दबाया, 2 का बटन दबाया, प्लस का बटन दबाया, 3 का बटन दबाया, तो यह क्या किया कि 2 + 3 ये जो है आपका बटन, आप जो ही इसको दबाए, इनपुट डिवाइस को कीबोर्ड पर दबाए, तो यह क्या करेगा कि इस 2 को + 3 को यह क्या करेगा, सिग्नल्स प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा। तो यह इनपुट डिवाइस का काम है। क्या काम है कि डाटा को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना, डाटा को कंप्यूटर से मिलाना और उसको नियंत्रित करना, भेजना। मतलब क्या, सीधा समझिए कि इनपुट डिवाइस क्या करता है कि डाटा एक्सेप्ट करता है, किससे, तो यूजर से हो या किसी अन्य रिसोर्स से हो, फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर के पास भेजता है इनपुट डिवाइस। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज हैं, उनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कंप्यूटर जब हम सीखते हैं, कंप्यूटर पर हम जब काम करते हैं, तो सबसे पहला डिवाइस आपके नजर में कीबोर्ड आता है। इसी के द्वारा, यह जो है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसी से हम अपना कोई भी वर्क कंप्यूटर से करवाते हैं। आपको कोई कमांड देना हो, फिर कुछ टाइप करना हो, कोई नंबर लिखना हो, कोई सिंबल टाइप करना हो, कोई फंक्शन का काम करना हो, वो सारा का सारा हम कीबोर्ड के द्वारा करते हैं। तो कीबोर्ड क्या है कि यह प्राइमरी इनपुट डिवाइस, प्राथमिक, बिना कीबोर्ड का आप सिस्टम से काम नहीं कर सकते हैं। कि कंप्यूटर पे काम करने के लिए हर हाल में आपको कीबोर्ड का आना जरूरी है। बिना कीबोर्ड की मदद से आप कंप्यूटर पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो कीबोर्ड क्या है, यह प्राइमरी। आप माउस के बिना आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। यह प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, इसके प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। यह इनपुट डिवाइस कीबोर्ड जो है क्या करता है कि यह जो है आप डाटा और कमांड्स, आप जो कुछ लिखते हैं, कोई भी आप टाइप करते हैं, कुछ भी आप डाटा इंटर करते हैं, तो वह डाटा और कमांड्स को क्या करता है, वह इनपुट एक्सेप्ट करता है कीबोर्ड का काम। इस कीबोर्ड में 104 और 105, किसी कीबोर्ड में 104 बटन होता है, किसी कीबोर्ड में 105 बटन होता है। यही 100, 104 और 105 बटन कीबोर्ड में होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में ये 104, 105। अब ये 104 और 105 बटन को हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं कि किस, मतलब क्या, कि कौन कौन से ग्रुप में कौन सा बटन जाता है।
तो सबसे पहले होता है फंक्शन की। आप कीबोर्ड को देखेंगे तो सबसे ऊपर जो होता है एक रो में F1, F2, F3, F4 से शुरू होकर के F12 तक एक बटन, एक लाइन में मतलब 12 की एक साथ होते हैं, वह कहलाते हैं फंक्शन की। हर एक फंक्शन बटन का, हर एक फंक्शन की का अलग अलग कुछ न कुछ फंक्शन है, काम है। F1 का हेल्प करना, रिफ्रेश करना, इन सभी का मतलब अलग अलग बटन का, अलग अलग चीज का अलग अलग काम। उसके बाद कंट्रोल की, कंट्रोल की होता है अल्ट बटन है, कंट्रोल बटन है, शिफ्ट बटन है, ये सब बटन जो होते हैं यह कंट्रोल की कहलाते हैं, इनका काम भी हम यूज करते हैं। एरो की, आप कर्सर को मूव करने के लिए ऊपर ले आइए, ये जो माउस मॉनिटर पर जो कर्सर होता है या पॉइंटर, कर्सर को आप मूव करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए आपके पास चार एरो की होते हैं, जो कि कीबोर्ड में दाहिने साइड में नीचे अल्फाबेट की के मतलब बगल में दाहिने साइड और नंबर की के राइट साइड के बीच में नीचे वैसे चार एरो की होते हैं इस तरह का। ये जो है ऊपर वाला जो है सो अप कहलाता है, नीचे वाला डाउन, लेफ्ट और राइट, ये चार एरो की होते हैं। इस एरो कीज की मदद से आप क्या करते हैं, कर्सर को मूव करते हैं। आपको कर्सर जिस साइड ले जाना हो, लेफ्ट राइट जिधर भी ले जाना हो, उस बटन को आप दबाएंगे, एरो कीज को दबाएंगे, वह जो है सो कर्सर मूव होगा। एरो की के बाद आता है अल्फाबेट। इसमें क्या होता है कि ए से जेड तक का बटन, ए से जेड तक का कैपिटल और स्मॉल कैपिटल दोनों बटन जो होते हैं एक ही बटन पे होते हैं। ए से जेड तक का जो बटन होता है, ए से जेड तक जो लेफ्ट बटन होते हैं, वे एक ही बटन पे होते हैं। अब जब आपका कैप्स लॉक भी एक कंट्रोल की में होता है, कैप्स लॉक यह जो है आप जब ऑन करके रखेंगे, कैप्स लॉक अगर बटन जो है यह ऑन अगर होगा तो आपका अल्फाबेट की का जो है अल्फाबेट बटन कैपिटल लेटर में वह प्रिंट करेगा। कैप्स लॉक अगर ऑन है तो आप जब ए को दबाएंगे तो कैपिटल ए लिखाएगा, आप सी को प्रेस करेंगे तो कैपिटल सी लिखाएगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो आपका यही ए जो है स्मॉल में, सी स्मॉल में, बी स्मॉल में, इस तरह से यह जो है तो टाइप होगा। तो यह कैप्स लॉक ऑन है और ऑफ है, इसकी जानकारी आपको कहां मिलेगी, तो कीबोर्ड के राइट साइड के टॉप कॉर्नर में सबसे ऊपर तीन पॉइंट होता है, तीन बल्ब एलईडी का छोटा सा ग्रीन जैसा बल्ब, तीन बल्ब लगा रहता है। इसमें एक होता है इंसर्ट का, एक होता है नंबर कीज का और एक होता है कैप्स लॉक का। ये तीन लाइट आपको इंडिकेट करता है कि ऑन है या ऑफ है। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो यहाँ कैप्स लॉक का जो है सो बल्ब जलेगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ कर, कैप्स लॉक ऑफ कर दिया है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर यह बल्ब जल रहा है तो आपका मतलब क्या, आप जो टाइप करेंगे वह कैपिटल लेटर में टाइप। दूसरा तरीका क्या है कैप्ट करने का कैपिटल लेटर में, कि शिफ्ट बटन को आप दबाए रखेंगे। माउस में दो शिफ्ट बटन होते हैं, दो अल्ट बटन होते हैं, दो कंट्रोल बटन होते हैं। ये जो होते हैं, अगर शिफ्ट बटन को आप दबाए रखेंगे और कोई भी बटन आप दबाएंगे तो वह कैपिटल लेटर में ही प्रिंट होगा, कैपिटल लेटर में ही वह टाइप होगा। उसके आता है नंबर की। नंबर की यह कीबोर्ड पे दो जगह होता है, एक होता है राइट साइड में जो कि 0 से 9 तक का बटन होता है, वह 0 से शुरू होता है और 9 तक जाता है। उस नंबर बटन में और सारे सिंबल्स भी होते हैं। और एक होता है फंक्शन की के नीचे, फंक्शन की जो ऊपर होता है उसके नीचे 0 से लेकर 9 तक का जो है जो बटन होता है, उसमें भी बहुत मतलब नंबर की नंबर के साथ साथ सिंबल्स ही होते हैं। अगर शिफ्ट बटन को उस नंबर की को दबाएंगे तो वह सिंबल टाइप होगा, अगर शिफ्ट बटन को छोड़ करके दबाते हैं तो वह नंबर टाइप होगा जो नंबर की।
तो आपको जो है कीबोर्ड में कितने तरह के की जो है, पांच तरह के फंक्शनल की, कंट्रोल की, एरो की, अल्फाबेट की और नंबर। इन पांचों ग्रुप में हम कीबोर्ड के जितने भी बटन होते हैं उनको हम बांटते हैं। उसके बाद आता है यह कीबोर्ड जो है आपका कंप्यूटर से दो माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, दोनों में से कोई एक माध्यम, दो माध्यम में या तो यूएसबी से जुड़ा होगा या फिर आपका ब्लूटूथ से जुड़ा होगा। यह हो गया कंप्यूटर। लैपटॉप में यह कीबोर्ड कीपैड के रूप में लैपटॉप पे फिक्स रहता है, जुड़ा ही रहता है, सेट रहता है। मतलब क्या, आपका कंप्यूटर से अगर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो आपका कीबोर्ड यूएसबी से जुड़ा होगा या फिर ब्लूटूथ से जुड़ा होगा। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में कीपैड सेट होता है। अब आता है माउस। माउस जो है यह भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका क्या काम है, यह जो है कंट्रोल, किसको कंट्रोल करता है, कर्सर को, एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, और सारे बहुत सारे काम है, लेकिन मेन काम है माउस के द्वारा आप कर्सर को कंट्रोल करते हैं। आपका माउस का पॉइंटर कहाँ है उसको मूव करेंगे, तो माउस को ट्रैक करके आप मूव करेंगे जहाँ आपका माउस के पॉइंट, माउस की मदद से आप जहाँ भी कर्सर को आप ले जाना चाहते हैं, माउस के पॉइंटर को ले जाना चाहते हैं, आप वहाँ आसानी से माउस को मूव करके ले जा सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इस माउस की मदद से आप बहुत सारे वर्क को पूरा करेंगे, जैसे कि सेलेक्ट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, जैसे कि कोई एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना, कोई फोल्डर को सेलेक्ट करना, कोई फाइल को सेलेक्ट करना, कोई एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना, तो आप इसे सेलेक्ट कर, किसी इमेज को सेलेक्ट करना, तो आप सिलेक्शन का काम इस माउस से कर सकते हैं। स्क्रॉल, स्क्रॉल मीन्स क्या कि आप माउस की मदद से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पेज को आप मूव करा सकते हैं। आप जानते हैं कि माउस में दो या तीन बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। तो आप जो है आप इस स्क्रॉल बटन की मदद से, स्क्रॉल पहिया लगाता है लेफ्ट राइट के बटन के बीच में एक छोटा सा, आप उसको जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर मूव करेंगे तो आपका पेज जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव होगा। तो स्क्रॉलिंग करने का काम आप स्क्रॉल बटन से करते हैं। ओपन और एक्सक्यूट प्रोग्राम, आप क्या करते हैं, माउस से किसी भी प्रोग्राम पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वह ओपन होगा और रन होगा। तो एक्सक्यूट करने का काम और किसी फाइल को खोलने का काम आप माउस की मदद से करते हैं। और कहला इसका ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को आप ड्रैग करके एक जगह से खींच करके दूसरे जगह भी आप डालते हैं, वह ड्रैग एंड ड्रॉप का वर्क भी माउस के द्वारा होता है। तो यह हो गया आपका माउस, यह जो है क्या माउस का वर्क हो गया आपको कंप्यूटर के साथ, लेकिन लैपटॉप में यह माउस नहीं होता। लैपटॉप में आपके पास होता है टच पैड, मतलब माउस के बदले आप यूज करते हैं वहां टच पैड का, टच पैड का यूज करते हैं। में भी कितने दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट और राइट, और ये आपका टच पैड जो होता है इस तरह का होता है। इसमें लैपटॉप में इस तरह का होता है, यह है आपका टच पैड। इस टच पैड में आप जैसे माउस का यूज करते हैं लेफ्ट बटन में, इसके लिए यहाँ लेफ्ट बटन है, और ये आपका राइट बटन कहलाता है, राइट बटन है कहलाता क्या है, राइट बटन है। और इस ये जो है, इस जो एरिया है, इस एरिया पे आप फिंगर की मदद से
फिंगर्स से आप मूव करके विद द हेल्प ऑफ फिंगर, विद द हेल्प ऑफ फिंगर वी मूव द कर्सर और पॉइंटर। आप विद द हेल्प ऑफ फिंगर उंगली की मदद से इससे आप जब मूव करेंगे तो आपका एक कर्सर या फिर पॉइंटर मूव करेगा। राइट बटन और लेफ्ट बटन से आप सेलेक्ट और ओपन का काम जो करते हैं यह टच पैड, यह ठीक टच पैड का वर्क क्या है, माउस का वर्क का काम टच पैड करता है। लैपटॉप में माउस के बदले टच पैड लगा रहता है जिसका वर्क हम करते हैं।